गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में 8.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। इसमें आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा, ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1। इससे भी आपकी आगे और वैल्यूज बन सकती हैं। मेन आइडेंटिटी है ये आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो साइन स्क्वायर ए की, ये प्लस में, वहाँ पे जाके माइनस में, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकल सकती है साइन की भी, साइन ए क्या होगा, ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही आप कोस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ से कोस स्क्वायर ए, अब ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कोस ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस ए स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बनेगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। मतलब इन फॉर्मूलों का आप यूज़ कर सकते हो, मेन आपकी आइडेंटिटी ये, अगर आपको ये लर्न होगी तो आप इससे ये सब बना सकते हो। क्या आइडेंटिटी है फर्स्ट आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल में 1। कहीं पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर आएगा, वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करनी हो, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 1 माइनस में कोस स्क्वायर। ऐसे ही अगर साइन ए की करनी हो तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर। सेम ऐसे कोस स्क्वायर की भी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर कोस ए की पुट करनी हो तो अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर। अगर आपको ये आइडेंटिटी लर्न हो जाती है तो आप इससे इन फॉर्मूलों को भी बना सकते हो। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में सिकेंड स्क्वायर ए, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है। इसे भी आप देखो क्या बना सकते हो, अब 1 इक्वल में सिकेंड स्क्वायर ए, ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में। अगर आपको कहीं पे 1 को सिकेंड और टेंजेंट में चेंज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और कहीं पर सिकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर आए तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन सकता है यहाँ पे, जैसे सिकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए है, अगर सिकेंड ए की वैल्यू चाहिए हमें टेंजेंट में, अकेले सिकेंड की, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड में, अब ये प्लस का 1 वहाँ पे जाके माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और अकेले टेंजेंट की वैल्यू चाहिए हो सेकेंड में, तब ये स्क्वायर वहाँ पे क्या बन गया, अंडर रूट, तो टेंजेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब अगर आपको ये सेकेंड आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी तो उससे आप ये सब आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये लर्न है तो जिसकी वैल्यू चाहिए इसे राइट में सोल्व करके देख लो, एक ही स्टेप लगेगा रफली, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में कोसेकेंट स्क्वायर ए, यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 इक्वल में कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये प्लस में वहाँ पे जाके माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अगर आपको कहीं पे 1 को चेंज करना है कोसेकेंट और कोटेंजेंट में, तो क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और कहीं पे कोसेकेंट स्क्वायर और माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर आ जाए तो वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, हम 1 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये कोसेकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए है, अगर अकेले कोसेकेंट की वैल्यू चाहिए आपको कोटेंजेंट में, ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बन गया, अंडर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आप कोटेंजेंट स्क्वायर ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, जैसे कोटेंजेंट स्क्वायर की निकाली है ऐसे कोटेंजेंट की भी निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटी लर्न हो जाती है तो आप उससे ये सभी फॉर्मूले बना सकते हो।
ठीक है, मतलब आपको ये तीनों मेन आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में वन, सेकंड वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में सिकेंट स्क्वायर ए, एंड थर्ड वन द वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर ए। और ये इसके पार्ट्स इन्हीं आइडेंटिटी से ही बने हुए हैं। ये तीनों अगर अच्छे से लर्न कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे फॉर्मूले आपके प्लस वन में प्लस टू में जब तक आपके पास मैथ रहेगा तब तक ये यूज़ होंगे। अच्छे से इन्हें लर्न करना, राइट करके देखना ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए सब। अब मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सिकेंट ए एंड टेंजेंट ए। इसे किस में चेंज करना है हमें, कोटेंजेंट ए में। ध्यान से देखना किस टाइप से करना है। सबसे पहले तो जो इसमें जिन भी आइडेंटिटी का यूज़ होगा वो लिख लो। तीनों जो मैंने आइडेंटिटी करवाई है, फर्स्ट क्या करवाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में वन, सेकंड वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में सेकंड स्क्वायर ए, एंड थर्ड वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर ए। और साथ में इन फॉर्मूलों का भी यूज़ होगा, साइन ए इसे क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोसिकेंट ए। जब मैंने आपको 8.1 के फॉर्मूले करवाए थे वहाँ बताया था ना, साइन पी बाय एच तो कोसिकेंट एच बाय पी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट ए क्या होता है, वन बाय साइन ए। नेक्स्ट क्या करवाया था, कोस ए, ये किसका अपोजिट होता है, सिकेंट ए का, और सिकेंट कोस का, तो सिकेंट ए इक्वल में वन बाय कोस ए। एंड थर्ड वन टेंजेंट ए, टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोटेंजेंट ए। और साथ में एक और भी बताया था इसका, टेंजेंट ए को साइन कोस में भी लिख सकते हैं हम, साइन ए बाय कोस ए। और नेक्स्ट कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए को वन बाय टेंजेंट ए, और कोटेंजेंट को भी साइन कोस में भी लिख सकते हैं, कोस ए बाय साइन। इन सभी फॉर्मूलों का यूज़ होगा आपका इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन ए सिकेंट ए और टेंजेंट ए, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस में चेंज करना है हमें, कोटेंजेंट ए में। अब आपका फर्स्ट है साइन ए, साइन ए को हमें चेंज करना है कोटेंजेंट में। आप कैसे चेक करोगे, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, अभी तो मैंने लिखवाया है क्योंकि अभी आपने लर्न नहीं किए होंगे अच्छे से। साइन ए को हमें चेंज करना है कोटेंजेंट में। सबसे पहले तो देखो, साइन की जो प्रॉपर्टी है वो कोस के साथ रिलेशन है, और जो साइन का फॉर्मूला है वो कोसिकेंट के साथ है, तो डायरेक्ट कोटेंजेंट में तो चेंज नहीं हो रहा साइन हमारा। तो मैं इसमें से इसे प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ या फिर फॉर्मूले का यूज़ करूँ कि जिससे मैं आगे या तो कोस को, या फिर अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। अगर फॉर्मूले का यूज़ करती हूँ तो साइन किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में। अगर इन दोनों में से मैं कोई एक लगाती हूँ चेंज करने पर, क्या उसका रिलेशन कोटेंजेंट के साथ बनता है, तो ये मुझे देखना होगा। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। लेकिन कोस का भी देखो रिलेशन नहीं है कोटेंजेंट के साथ। लेकिन मैं अगर फॉर्मूले का यूज कर लेती हूँ, साइन को वन बाय कोसिकेंट लिख देती हूँ, लेकिन कोसिकेंट की प्रॉपर्टी है ना कोट के साथ, तो हम कोसिकेंट को चेंज कर सकते हैं फिर कोट में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से करना है, आपके जो ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है थोड़े से अलग है, अच्छे से करने हैं इन्हें। साइन ए, साइन ए को लिख सकते हैं वन बाय कोसिकेंट ए, बट हमें चेंज किस में करना है, कोटेंजेंट ए में, और कोसिकेंट की प्रॉपर्टी है कोटेंजेंट के साथ रिलेशन है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट ए वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से वैल्यू निकालो कोसिकेंट की, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट कर दो, अंडर रूट वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, तो साइन ए चेंज हो गया। ठीक है,
मतलब जिसे हमें चेंज करना है सिर्फ एक ही टिक्नोमेट्री रेशियो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट में चेंज कर दिया। कैसे करना है चेंज, ये ध्यान देना है कि फॉर्मूले, अगर डायरेक्ट चेंज होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आपको ही ध्यान देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं या फिर कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करें कि जिससे आगे जिसमें हमें चेंज करना है उसके साथ भी उसका रिलेशन बन रहा है। अगर मैं इसे प्रॉपर्टी लगा देती तो कोस का कोटेंजेंट के साथ नहीं बन रहा था, लेकिन अगर मैंने फॉर्मूला लगाया है 1/कोसेकेंड और कोसेकेंड और कोटेंजेंट की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से मैंने कोसेकेंड को किस में चेंज कर दिया, कोटेंजेंट में चेंज कर दिया। क्या आ गया आपका साइन ए 1/√1 + cotangent². उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड ए, इसे किस में चेंज करना है, कोटेंजेंट में। अब देखो सेकेंड कहाँ पे है, एक एरी हमारी प्रॉपर्टी सेकेंड की टेंजेंट के साथ रिलेशन है और सेकेंड का फॉर्मूला कोस के साथ है, बट हमें किस में चेंज करना है, कोटेंजेंट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा, अगर मैं सेकेंड को चेंज कर देती हूँ 1+tan² में, टेंजेंट में, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का रिलेशन है ना, फिर वहाँ से टेंजेंट को किस में लिख दूंगी, 1/cotangent में। तो पहले हम सेकेंड को चेंज करें, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि फॉर्मूले से कुछ नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी से बन रहा है। सेकेंड ए, सेकेंड ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1+√1 + tan². कहाँ से बना है ये, बिकॉज सेकेंड स्क्वायर ए किसकी इक्वल है, 1+tan², बट हमें अकेले सेकेंड की वैल्यू चाहिए थी, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बन गया, 1+tan². यहाँ तक समझ आया, ठीक है। बट हमें चेंज करना है कोटेंजेंट में, और टेंजेंट को हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट में 1/cotangent A। करो यहाँ पे वैल्यू पुट, 1+tan² 1/cotangent, तो टेंजेंट स्केयर है 1 का स्केयर 1 और कोटेंजेंट का स्केयर कोटेंजेंट स्केयर है। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम बनेगा, कोटेंजेंट स्केयर है, यहाँ पे क्या आ गया, कोटेंजेंट स्केयर ए प्लस में 1। कैसे बनता है, नीचे वाले से डिवाइड, डिवाइड करेंगे कोटेंजेंट स्केयर ए को 1 से तो सेम रहेगा, जो डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 था तो सेम रहा, यहाँ पे प्लस का साइन प्लस लगा दिया। कोटेंजेंट स्केयर ए को कोटेंजेंट स्केयर से डिवाइड किया, कैंसिल होके 1, जो डिवाइड करके आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दो। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो उतना लिखा करो, अंडर रूट कोटेंजेंट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन में कोटेंजेंट स्केयर ए, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, ऊपर तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि या तो कंप्लीट का होता है, ये अकेले का स्केयर दे रखा है, तो क्या आंसर रह जाएगा आपका, अंडर रूट कोटेंजेंट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन में, नीचे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया स्केयर से, तो क्या रह गया, कोटेंजेंट ए। तो सेकेंड ए को कोटेंजेंट में चेंज करके क्या बना हमारा, अंडर रूट कोटेंजेंट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन में कोटेंजेंट ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेंजेंट ए, किस में चेंज करना है, कोटेंजेंट में। प्रॉपर्टी तो नहीं है टेंजेंट के कोटेंजेंट में, बट फॉर्मूला है, हम इसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो जो तो आपका थर्ड वाला है टेंजेंट ए, इसे कोटेंजेंट में हम डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट है तो बिल्कुल ईजी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगाना है, इन तीनों को हमने किस में चेंज किया, कोटेंजेंट ए में। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपके जितने भी टिक्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑल टिक्नोमेट्रिक रेशियोज, इसे हमने किस में चेंज करना है, सेकेंड ए में। सभी को किस में चेंज करना है, सेकेंड में। सबसे फर्स्ट क्या होता है आपका, साइन ए, इसे किस में चेंज करना है, सेकेंड में। अब देखो साइन का प्रॉपर्टी भी नहीं है डायरेक्ट सेकेंड के साथ, ठीक है, और साइन का फॉर्मूला भी नहीं है सेकेंड के साथ, कोस के साथ है, साइन का फॉर्मूला कोसेकेंड के साथ है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि हम साइन में साइन वाली प्रॉपर्टी लगाएं या फिर साइन वाला फॉर्मूला लगाएं जिसका रिलेशन सेकेंड के साथ होना चाहिए। अगर मैं साइंस को चेंज कर देती हूँ प्रॉपर्टी लगा के कोस में, तो कोस को लिख सकते हैं ना 1/sec, तो मतलब यहाँ पे हम पहले साइन की क्या लगाएंगे, कोस में प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, फिर कोस को क्या लिख देंगे, 1/sec। अब साइन को चेंज करो कोस में, 1 - cos² कैसे बनाइए, बिकॉज sin² प्लस cos² किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है साइन ए की, sin² अब ये प्लस में, cos² वहाँ जाके माइनस में, और ये स्केयर इधर आके अंडर रूट, तो साइन ए किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 1 - cos² के इक्वल आ गया, cos में चेंज हो गया,
ठीक है, अंडर रूट वन माइनस में कोस के रे, ध्यान से पता चला ना किस टाइप से चेंज किया, बट हमें किस में चेंज करना है, सिकेंटे में, और कोस को हम सिकेंट में लिख सकते हैं वन बाय सिकेंटे, तो वन माइनस में कोस को लिख सकते हैं वन बाय सिकेंटे, तो कोस स्केयर को वन का स्केयर वन और सिकेंट का स्केयर सिकेंट स्केयर है। इसके बाद क्या बताया था, एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ जाएगा, सिकेंट स्केयर है एलसीएम, यहाँ पे क्या बनेगा सिकेंट स्केयर है और यहाँ माइनस का वन, अंडर रूट अलग अलग कर दो, ऊपर करेंगे सिकेंट स्केयर है माइनस वन, नीचे अंडर रूट अलग करेंगे सिकेंट स्केयर है, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या आंसर रह गया, अंडर रूट सिकेंट स्केयर है माइनस वन अपॉन में सिकेंट ए। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद साइन के बाद आपकी नेक्स्ट क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोस ए, चेंज किस में करना है सिकेंट में, कोस का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सिकेंट में, तो वन बाय क्या बन जाएगा सिकेंट ए, चेंज हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट को किस में चेंज करना है सेकेंड में, और टेंजेंट और सेकेंड का तो रिलेशन है ही, आइडेंटिटी दे रखी है, तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल दो, क्या आइडेंटिटी है, वन प्लस टेंजेंट स्केयर ए इक्वल में सेकेंड स्केयर ए, किसकी वैल्यू निकालनी है टेंजेंट ए की, और किस में निकालनी है सेकेंड में निकालनी है, ये प्लस का वन वहाँ जाके माइनस का, तो टेंजेंट स्केयर ए इक्वल में सिकेंट स्केयर ए माइनस में वन, ये स्केयर उधर जाके क्या बन गया अंडर रूट, तो अंडर रूट सिकेंट स्केयर ए माइनस में वन, तो यहाँ पे लिख दो ये कैसे बना, सामने मैंने सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है, हमें टेंजेंट को चेंज करना था सिकेंट में तो चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट हमने साइन को चेंज किया, फिर सेकंड हमने कोस को, थर्ड टेंजेंट को, फोर्थ होती है हमारा कोटेंजेंट। अब कोटेंजेंट को किस में चेंज करना है सेकंड में, कोटेंजेंट को लिख सकते हैं वन बाय टेंजेंट है, लिख सकते हैं, और टेंजेंट को हमने सेकंड में चेंज कर रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो टेंजेंट की जगह, वन अपॉन में अंडर रूट सेकंड स्क्वायर ए माइनस वन, ये अभी मैंने आपको बताया ही है टेंजेंट को सेकंड में किस टाइप से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखो ध्यान से किस टाइप से करेंगे, फिफ्थ पार्ट टेन, पहले था साइन फिर कोस फिर टेंजेंट कोटेंजेंट ना, सेकेंड सेकेंड को सेकेंड में तो सेम ही रहेगा, उसे चेंज करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है आपका कोसेकेंड, अब कोसेकेंड को लिख सकते हैं वन बाय साइन लिख सकते हैं, और हमने साइन को अभी चेंज किया था सेकेंड में, और वहाँ पे हमें साइन को चेंज करके सेकेंड में क्या आया था, अब ये वन बाय साइन है और ये अकेली किसकी वैल्यू है सेकेंड की, तो इसको अपोजिट कर दें, ठीक है, तो सेकेंड ए अपॉन में अंडर रूट सेकेंड स्केयर ए माइनस वन, हमने अभी फर्स्ट पार्ट में ही साइन को सेकेंड में चेंज किया था, और हमें अब कोसेकेंड को करना है, और कोसेकेंड को लिख सकते हैं वन बाय साइन, तो जो साइन आया उसका उल्टा कर दो, वो वन बाय क्या हो जाएगा साइन, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, वो क्या बन गया सेकेंड ए अपॉन में अंडर रूट सेकेंड स्केयर ए माइनस वन। लेकिन आपका अगर अकेला आ जाता है ना कोसेकेंड को चेंज करना है सेकेंड में, तो पहले लिखोगे वन बाय साइन, फिर जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया सारा सोल्व करके फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, समझ आया ना। तो इस टाइप से आप सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किस में चेंज कर सकते हो सेकेंड में। सबसे पहले चेक किया करो क्या उसका फॉर्मूला आइडेंटिटी या फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं है, अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख दो, जैसे ये दोनों डायरेक्ट थे, कोस को लिख सकते थे वन बाय सेकेंड, और टेंजेंट का भी सेकेंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन। अगर डायरेक्ट नहीं है तो फिर ये ध्यान दो कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं या फिर फॉर्मूला लगाएं जिसमें चेंज करना है, चेंज होने के बाद क्या उसके साथ रिलेशन बन रहा है, तभी आपको ये सम आपका सोल्व होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री, इसे इवेल्युएट करना है। अब ये साइन एंगल वैल्यू देखो कौन सी आ गई, टेबल वाली नहीं आई ना, 0, 30 डिग्री, 45, 90, 60, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो वहाँ पे हम कौन से फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं, 90 वाले जो हमने 8.3 एक्सरसाइज में किया था,
ठीक है। अब एक जगह साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है। देखो अब ये आपकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बनेगी ना, एंगल दोनों के सेम होने चाहिए और सेम हमें करने आते हैं 90 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और स्क्वायर में है तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग सकती है ना, दोनों जगह साइन है तो साइन, एक साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में। तो कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर इज 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, पहले एंगल के फैक्टर कर ले 90 में, 90 में से क्या माइनस करें कि हमारा क्या रह जाए यहाँ पे 67 रह जाए, ठीक है। स्टेटमेंट गलत लिख दीजिए, क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 63 और यहाँ पे 27 है और नीचे 17 और 73 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 90 में से क्या माइनस करें 27 रह जाए, अगर 90 में से 63 माइनस करते हैं तो 27 रह जाएगा अपॉन में। अब इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना होगा, फर्स्ट वाले को कर दो कोस स्क्वायर ए, पहले एंगल के फैक्टर कर लेना 17 है, अब 90 में से क्या माइनस करें 17 रह जाए 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब साइन स्क्वायर ये सेम, इसे हमने कोई चेंज नहीं किया 63 प्लस साइन 90 माइनस ए, किसके इक्वल होता है कोस ए के, अब साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर 63, ठीक है। अपॉन में कोस 90 माइनस ए साइन ए, अब ये ए हमारा 73 है यहाँ पे और यहाँ कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और प्लस में कोस स्क्वायर 73, ठीक है। कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, एक तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाता है कोस ए, और एक लगाई है कोस 90 माइनस ए, किसके इक्वल होता है साइन ए के, अगर स्केयर है तो स्केयर में ले हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे हमारा 63 था तो 63, ए यहाँ पे हमारा 73 था तो 73। अब एक साइन स्केयर है एक कोस स्केयर है, दोनों के एंगल सेम है तो फर्स्ट वाली लगेगी साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए 1, एक जगह साइन स्केयर हो एक जगह कोस स्केयर और प्लस में दोनों के एंगल सेम हो, यहाँ पे ए यहाँ भी है तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो सेम एंगल बन रहे हैं, एक जगह साइन स्केयर एक कोस स्केयर तो इसे क्या लिख सकते हैं 1, और अपॉन में भी देखो दोनों का एंगल सेम है और एक जगह साइन स्केयर है और यहाँ पे कोस स्केयर है तो ये भी क्या बन जाएगा 1। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, फर्स्ट वाली, बिकॉज साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 बाय 1 क्या आंसर आ गया हमारा 1 आ गया, तो इसे इवेल्यूएट करके क्या आंसर आया 1। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, इसे भी इवेल्यूएट करना है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे, किसी एक को चेंज कर दें। अब इसे साइन 90 में से क्या माइनस करें, यहाँ पे 25 रहेगा 65 और ये कोस 65। अब देखो यहाँ पे अगर हम साइन को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोस को चेंज करेंगे, क्योंकि देखो ये एंगल सेम बन के साइन किस में बदल जाएगा कोस में, अभी बताती क्यों किया ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मैं साइन को चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे कोस को चेंज करेंगे, तो पहले एंगल के फैक्टर करें, 90 में से क्या माइनस करें 25 रह जाए 65, साथ में साइन 65 डिग्री। अब साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है कोस ए के, और ए हमारा क्या है यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई में कोस 65, और यहाँ पे कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है साइन ए, और ए क्या है हमारा यहाँ पे 65 और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर साइन 65। अब कोस 65 कोस 65 तो क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर 65, यहाँ साइन 65 साइन 65 तो क्या बन गया ये साइन स्क्वायर 65। अब देखो एक जगह कोस स्क्वायर आया एक जगह साइन स्क्वायर आया और दोनों के एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, एंगल सेम हो एक जगह साइन स्क्वायर और एक जगह कोस स्क्वायर हो किसके इक्वल होता है वो हमेशा 1 के, यहाँ सामने लिख दो कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1।